एक सवाल है जो आप लोगों से बहुत बार बार ये बात पूछी जा रही है कि बिहार डीएलएड एडमिशन में क्या सेकंड लिस्ट का जो कट ऑफ आएगा, यानी जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसमें कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, यानी सेकंड अलॉटमेंट लेटर में कितने कट ऑफ पर जो है कि एडमिशन लिया जाएगा, ये सवाल जो है कि बहुत बार पूछा जा रहा है। तो फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों से इस मामले पर डिस्कस करना ही बेटर है, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई सेकंड मेरिट लिस्ट जो आ रहा है, सेकंड आपका जो अलॉटमेंट लेटर आ रहा है, तो उसमें जो है कि कितना कट ऑफ पे जो है कि एडमिशन लेगा। इस बार जो कितने पे एडमिशन लिया है वो चीज़ तो आप लोगों ने हर कोई शायद कि देख लिया है, और अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं कि कितना जो है कि कट ऑफ पे जो है कि एडमिशन लिया गया है, वो चीज़ हर चीज़ आप जो है कि देख सकते हैं। फिलहाल मैं सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करूंगा, सेकंड अलॉटमेंट लेटर की बात करूंगा, और उसमें कितने कटअप पे जो कि एडमिशन लिया जाएगा आज उस मामले पे बात करूंगा। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लाइक करेंगे। तो देखिए सवाल का जवाब ये है कि आपका सेकंड जो लिस्ट आने वाला है, सेकंड अलॉटमेंट लेटर जो आने वाला है, तो उसमें कटअप जो है कि आपका कम जाएगा। कहने का ये अर्थ है कि जिस कॉलेज ने, मानिए कि किसी कॉलेज ने जो है कि 120 पे कट ऑफ लिया है, यानी 120 पे जो है कि बच्चों का कट ऑफ लिया है, 120 पे एडमिशन लिया है, तो इस बार जो है कि उसका जो है 10 से लेकर के 20 नंबर तक ये जो मैं बता रहा हूँ, तो ये अनुमान से बता रहा हूँ और ये सटीक अनुमान है ये, ठीक है, ये 10 से 20 नंबर कट ऑफ जो है कम से कम होगा, यानी आपका जैसे जिस कॉलेज में 120 कट ऑफ किया है तो वो कॉलेज अभी 100 पे लेगा, या फिर जिस कॉलेज में 90 पे जो कट ऑफ लिया है तो वही कॉलेज अभी 90 पे जो लिया है तो हो सकता है वो कॉलेज जो है कि अभी 80 पे या 75 पे जो है कि सेकेंड अलॉटमेंट में वो कट ऑफ लेगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि भाई सेकेंड जो अलॉटमेंट लेटर आने वाला है तो उसमें आपको 10 से लेकर के 15 नंबर के बीच में जो है कि उसका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो ये खुशखबरी है। तो जैसे कि मानिए कि किसी का जो है कि किसी कॉलेज में जो है कि आपका 130 पे कट ऑफ लिया है, ठीक है, तो और किसी का 130 पे कट ऑफ लिया है और किसी का नंबर आया है 128 नंबर आया है, या फिर मानिए कि 120 नंबर आया है, तो उनका तो एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उनका सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस बार जो है जो सेकंड मेरिट लिस्ट आपका आएगा, सेकंड अलॉटमेंट लेटर जो आएगा, उसमें आपका कट ऑफ 10 से 15 नंबर तक कम लेगा। यही प्रश्न जो है कि आप लोगों से बार बार पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि मानिए किसी कॉलेज ने 80 नंबर पे कट ऑफ लिया है, ठीक है, तो 80 नंबर पे जो कट ऑफ लिया है तो वो कॉलेज अभी जो है कि क्या करेगा, सेकंड अलॉटमेंट लेटर जो आएगा तो उसमें जो है कि वो कट ऑफ कितने पे एडमिशन लेगा, तो वो आपको जो है कि 70 नंबर पे जो है कि 70 नंबर या फिर आपका 65 नंबर, हो सकता है 65 नंबर पे भी वो कट ऑफ में आपका एडमिशन लेना स्टार्ट कर दे, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। इसलिए जिन बच्चों का भी थोड़ा सा कम नंबर है, जैसे किसी का जो है कि किसी कॉलेज ने 120 पे जो है कि एडमिशन ले रहा था और आपका है 125 या फिर 120 नंबर है, तो हो सकता है कि सेकंड अलॉटमेंट लेटर में आपका जो है कि एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।